नमस्कार पत्रिका टीवी की शीलिट फैमिली शो में आपका स्वागत है। शीलिट फैमिली शो में जिस शख्सियत से आप आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, इनके बारे में मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूंगी, ब्यूटी विद ब्रेन। जी आज हमारे साथ पत्रिका स्टूडियो में है शिल्पा मित्तल। शिल्पा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ज्वेलरी डिजाइनर तो है ही, साथ ही इन्होंने मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 का खिताब भी जीता है। तो खास मुलाकात करेंगे शिल्पा जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको, इतना बड़ा रिजल्ट आपने जीता है। ज्वेलरी डिजाइनर आप हैं जी, ब्यूटी प्रेजेंट का आपने में आपने पार्टिसिपेट किया और ये क्राउन आपने जीता जी। सबसे पहले मुझे इसी के बारे में बताइए, इस प्रेजेंट के बारे में मैं जानना चाहूंगी। बेसिकली ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और ऐसा कोई मेरा इरादा भी नहीं था, ऐसा कोई मेरा विजन भी नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट मुझे ज्वेलरी में बहुत आगे बढ़ना था, ज्वेलरी में बहुत कुछ करना था, लेकिन अचानक से एक दिन एक कॉल आया और ये ऑफर आया मेरे पास पार्टिसिपेट करने के लिए। जो मेरी जर्नी रही है, मैंने ये ज्वेलरी डिजाइनिंग की जर्नी स्टार्ट की थी लास्ट ईयर जनवरी में जी। सो एग्जैक्टली मुझे 1 ईयर हुआ है। तो वो जो मेरा प्रोफाइल था, वो जो मेरा जर्नी था, वो देखकर उन लोगों ने बोला कि आई थिंक मेरा पार्टिसिपेट करना बहुत इसमें अच्छा हो सकता है, क्योंकि जर्नी जो भी मेरी रही है उसको देखकर जो भी तो मैंने जान लिए, स्टेप लिया। मैंने कहा ठीक है, एक नया फील्ड है, बिल्कुल नई चीज़ है, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल दो मेरा मन कम था, बट फैमिली में भी सबने मुझे बोला, और मेरे किड्स बहुत एक्साइटेड थे। मेरे किड्स बहुत ज़्यादा कि मम्मा एक बार आप जाकर बस टच भी कर आ जाओगे, हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि आपने एटलीस्ट इतने बड़े प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करा। तो मैं गई और फिर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, तब जाके थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है, अब जब इतना आगे आ गई हूँ तो लेट मी ट्राई टू यू नो एटलीस्ट विन, लेट्स सी कि कहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। और धीरे 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 करके आई डोंट नो कैसे कहाँ, बट आई वन दिस क्राउन। आपको कब लगा कि हाँ ये क्राउन आपके पास आ सकता है या फीलिंग कब आई आपको? एक्चुअली जब मैं टॉप 10 फाइनलिस्ट में थी, जब मैं यहाँ जयपुर से गई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। उसके पहले तो मैं लिटरली बहुत ही मज़े में सारे राउंड्स दे रही थी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। बट जब टॉप 10 फाइनलिस्ट में मैं आ गई, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे नर्वसनेस थी, क्योंकि वो नर्वसनेस भी इसीलिए थी क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन, मेरे बच्चों की एक्सपेक्टेशन, मेरे फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन, मेरे रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशन। तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि पता नहीं आप अब आगे कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना नहीं। बट वहाँ पर जब हमारा टैलेंट राउंड हुआ, तब जो मुझे जजेस से रिस्पॉन्स मिला, जो हमारा 2 दिन पहले था इवेंट के, तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये राउंड भी मैंने क्लियर कर लिया। बट मैंने उस वक्त डिक्लेयर कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मुझे पता नहीं था लास्ट में क्या होने वाला है। तो वो राउंड क्लियर करा। उसके बाद जब हमारे राउंड्स, उसी वक्त स्टेज पे जब हमारे राउंड्स क्लियर होते गए, जो भी हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था, वॉक राउंड था, तब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि आई थिंक। तो उसमें किस किस तरह के राउंड्स हुए थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए, तैयारी आपने क्या की इसके लिए? मैंने 1 महीना पहले से ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि मैंने जिम रेगुलर स्टार्ट कर दिया था। वरना हम अपने आप को, एक्चुअली ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये पैजेंट में कोई भी अगर पार्टिसिपेट करता है तो आप खुद पे ध्यान देने लग जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या है, विमेन सबसे ज्यादा इतने सारे एरियाज में अपने आप को बांध कर रखती है कि खुद की ग्रूमिंग, खुद के उस पर तो ध्यान ही नहीं दे पाते। आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपका काम भी है, आपका घर भी है। तो वो चीज़ मैंने जब 1 महीना पहले से ग्रूमिंग सेशंस ज्वाइन करे, जिसमें कि जिम था, और रेगुलर अपना ध्यान रखना, मेकअप एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें जो सीखी, तो आई थिंक वो एक जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और मैंने बहुत कुछ लाइफ टाइम के लिए इस जर्नी में सीखा है। पैजेंट के दौरान भी मैं एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर हमेशा लोगों को गाइड करती हूँ, या कह लीजिए लीड करती हूँ एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर, बिकॉज सब मेरे लिए काम करते हैं। बट वहाँ जाकर एज ए कंटेस्टेंट जो फीलिंग होती है, जो लर्निंग होती है, जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बच्चे को आप जैसा बताए थे, बच्चों ने काफ़ी आपको मोटिवेट किया था जी,
तो बच्चों को जब पता चला होगा मम्मा को क्या मिल मैं शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि क्या हुआ था, पुणे में मेरी फ्रेंड के कुछ फ्रेंड्स, एक्चुअली पुणे में आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल, बट मेरी फ्रेंड के कुछ फ्रेंड्स देखने के लिए आए थे ये इवेंट. और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये बात कि ये पूरा इवेंट लाइव मेरी बेस्ट फ्रेंड गर्मा, शी इज लाइक, मतलब शी इज मोर देन अ सिस्टर, वो बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बोल सकती मैं उसको, वो और मेरे दोनों बच्चे लाइव देख रहे थे. तो पूरा शो उन लोगों ने लाइव देखा है. एंड मेरा बड़ा बेटा मुझे बोला कि मम्मा पूरे टाइम जब ये शो चल रहा था, गर्मा आंटी ने सारे भगवान याद कर लिए, किसी को नहीं छोड़ा. एंड गर्मा वॉज टेलिंग मी कि ये उछल उछल के, माई यंग वन उछल उछल के, मेरी मम्मा जीत जाए, मेरी मम्मा जीत जाए, मेरी मम्मा जीत जाए. एंड जैसे ही वो रिजल्ट अनाउंस हुआ, उछल उछल के, पहले तो उसने पूरे हॉल में डांस करके और सर घर पे उठा लिया. ये बात है रात के आई थिंक 11 बजे की. मेरे पापा वॉक पे थे और फिर उछल उछल के चिल्लाता वो बाहर गया, मेरी मम्मा जीत गई, मेरी मम्मा जीत गई. पापा को जाके उसने वो करा. तो आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो खुशी है, वो खुशी है जो एक्चुअल खुशी है. अदरवाइज ठीक है, मतलब मेरे लिए तो एक था कि कर लिया, और कोई ऐसा बहुत मोटिवेशन नहीं था, एक्साइटमेंट नहीं था. बट बच्चों का एक्साइटमेंट वॉज अ मेन थिंग. लाइफ कितनी बदली आपको लगता है, लाइफ में कुछ चेंजेस आए इस चीज के बाद, इस विजन को जीतने के बाद? लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं. आई थिंक एज अ वुमेन, सी आई एम अ सिंगल पेरेंट. मैं मतलब मेरी जर्नी लास्ट 1 ईयर हैज बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. तो उसके बाद एक जो रिस्पेक्ट आपके खुद के फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में आ जाता है आपके लिए, डेफिनेटली वो आता है. आप कितना भी बोल लें कि आपके अपने आपको बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, बट ऑब्वियसली लोगों के नज़रिए में बहुत बदलाव आता है. खुद के भी रूटीन में बहुत चेंज आता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. एंड आई थिंक दैट्स इट. इवन इवन किड्स 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 का भी, किड्स के भी, किड्स को भी जिंदगी में मोटिवेशन मिलता है बहुत. आगे का फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, अब नया क्या? एक्चुअली इतना अनएक्सपेक्ट हो रहा है मेरे साथ एक साल में, कि मैं शायद प्लान करने का टाइम भी नहीं मिलता मुझे, और प्लान किया भी नहीं है मैंने आज सच. बस एक चीज़ जो मैंने प्लान की थी, वो मैं अपने स्केड्यूल से और अपने प्लान के हिसाब से चल रही हूँ, कि मुझे ज्वेलरी में बहुत बड़ा नाम कमाना है, मुझे बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर ऑफ द वर्ल्ड बनना है एक दिन. तो वो चीज़ मैं अपनी जर्नी अपने तरीके से कर रही हूँ. बीच में कहाँ से क्या आ गया और क्या हो गया, देयर इज समथिंग डिफरेंट, बट लेट्स सी. इससे पहले किसी इस तरह के किसी पिजेट में आपने पार्टिसिपेट किया था या सोचा था कभी कि कुछ करना है स्कूल कॉलेज के टाइम पे? कभी भी नहीं. ये तो मैंने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी नहीं सोचा था. ये तो पता नहीं कैसे आ गया और कैसे मैंने पार्टिसिपेट कर लिया. कोई कोई इरादा ही नहीं था कुछ. मतलब एक होता है कि आप अपने लिए भी कुछ विजन करते हैं ऐसा, या आप अपने को पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद भी ऐसा देखते हैं कि नहीं आप एक मॉडल हैं, या आप ऐसा कुछ. कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आज भी नहीं मुझे फीलिंग होती है. जीत गई, सब हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट वॉन्ट अ फ्यूचर इन दिस ऑल्सो. मैंने जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी अपना ज्वेलरी में ही आगे बढ़ूंगी. हाँ जी. अच्छा, मुझे अपने पेरेंट्स को जब बताया कि इस तरह का ब्यूटी प्रेजेंट है और मेरे लिए ऑफर आया, मैं पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ या करना चाहती हूँ, तो उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन आपको मिला? एक्चुअली पापा, मेरी फैमिली बहुत ही एडुकेटेड क्लास, मतलब जिसे कहते हैं ना लिटरेट फैमिली है. मतलब ऐसा है कि हमारे फैमिली में दूर दूर तक फैशन और ये और कुछ नहीं. पढ़ाई जो मैंने मेरी ज्वेलरी डिज़ाइन की है, वो भी मैंने बहुत ही अपनी लीक से हटकर करी है. नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस. बट मेरे पापा का आई थिंक हमेशा से, मुझे नहीं पता कब से, बट पापा का हमेशा हमेशा मतलब 100% सपोर्ट रहा है मुझे हर चीज़ के लिए. आज तक मुझे याद नहीं है पापा ने किसी भी चीज़ के लिए बोला नहीं बेटा ये नहीं करना है. वो हमेशा हर चीज़ के लिए, तुमने सोच लिया, तुमने कर लिया, आई थिंक यू आर मेच्योर इनफ, तुम्हारे कोई डिसीजन गलत होते नहीं है, करो. तो मैंने पापा का तो पूरा कंप्लीट 100% सपोर्ट था, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, ये जो फील्ड है उसके बारे में एक चीज़ ये भी आती है कि मॉडलिंग का हो या ब्यूटी प्रेजेंट जिस तरह का, कि बहुत ठीक है लड़कियां आजकल जा रही हैं, लेकिन पेरेंट्स कई बार अलाउ नहीं करते, शायद सिक्योरिटी रीजन है, एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं होता है. हाँ जी. बीइंग अ वुमन, आपको लगा ऐसा कुछ कि इस तरह का कुछ है?
सी बीइंग अ वुमन, मैं खुद घर से पहली बार निकली थी, जो मैंने आपको बताया मैं साल भर पहले मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, बिकॉज आई वॉज अ हाउस वाइफ एंड ऑल्सो मेरे कम्प्लीटली मेरा पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन मेरे बच्चों पे था. बट जब मैं घर से निकली, मैंने रियलाइज करा कि बोलते हैं लोग बहुत कि वेमेन एक्सप्लॉयटेशन, और ये आई थिंक अगर यू आर वाइज इनफ, अगर आप समझदार हैं, आपको पता है कि कितना किसी से बात करना है या किस टाइम पे घर से निकलना है या किस टाइम पे नहीं निकल, बहुत सारी चीजें हैं. आप अगर टेक केयर करते हैं, या टचवुड आई एम लकी इनफ कि मुझे राइट लोग मिले, वो भी बहुत बड़ी बात है. अभी भी पेजेंट में भी बहुत सही लोग मुझे मिलते हैं, सपोर्टिव लोग मिलते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लड़कियों को पता है कि यू नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स वेल, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वर्ल्ड में. और आजकल तो शिल्पा बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे और बातचीत करेंगे. तो फैमिली शो में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी शिल्पा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे पतेगा टीवी के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो और हमारे साथ है शिल्पा. शिल्पा की सारी बातों में मेरी आपसे ब्यूटी प्रेजेंट से रिलेटेड जी, ज्वेलरी डिजाइनिंग जी आप कर रहे हैं, कोई बैकग्राउंड रहा है आपका, फैमिली बैकग्राउंड रहा है इस फील्ड में या बिल्कुल भी नहीं? एक्चुअली सारे ही हम लोग बहुत ही एडुकेटेड क्लास हैं. मेरे डैड रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, मेरी बुआ प्रोफेसर हैं, सो नॉट एट ऑल. एंड ये फील्ड भी एक्चुअली मैंने घर पे बहुत ही स्ट्रगल रहा है मेरा इसको चूज करने में, बट जैसे मैंने आपको बोला मेरे पापा का 100% सपोर्ट रहा है. तो पापा ने मुझे सपोर्ट किया, पापा ने बोला कि ठीक है अगर तुमने चूज किया है तो कर लो. बट माय मदर वांटेड कि मैं या तो डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, ये दो चीजें ही पेरेंट्स का यही होता है, डॉक्टर डॉक्टर और इंजीनियर. तो मम्मा वही बोलते बोलते मैं बड़ी हुई हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है. अल्टीमेटली जब मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे मार्क्स नहीं आए, उन्होंने बोला ठीक है अब लास्ट ऑप्शन है एमबीए कर लो. लेकिन एमबीए भी मैं बिल्कुल कीन नहीं थी करने में. मैंने बहुत मम्मी से आर्ग्यू करा, मैंने बोला नहीं मम्मा मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, मेरा दिमाग ही क्रिएटिविटी में चलता है, तो क्यों आप मेरे को फोर्स कर रहे हो. बहुत मुश्किल से मैंने कन्विंस करा, बट हाँ मैंने करा. और बैकग्राउंड कोई भी नहीं था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग चूज करा, बिकॉज समहाउ फैशन आई फील कि अगर मैं फैशन लेती शायद मैं इतना हैप्पी नहीं होती जितना मैं ज्वेलरी में खुश हूँ. आपका खुद का अपना ब्रांड भी है? हाँ जी. ये आपने कब स्टार्ट किया और आपके अपने शायद नाम से ही चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल. इसके बारे में बताइए. ये मेरी सिर्फ और सिर्फ साल भर की जर्नी रही है. वन गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट मैंने कभी भी ये ब्रांड छोड़ा नहीं, ब्रांड नहीं था, मैंने ये नाम नहीं रखा था. लेकिन सिंस लास्ट 14 ईयर्स जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी, मैंने इसको जिंदा रखा था. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का कुछ भी होता था तो छोटे छोटे ऑर्डर्स मेरे कारीगर थे, मैं पूरे कर देती थी, पर वो इतने छोटे मतलब कि महीने में एक बार कोई ऑर्डर मैंने कर दिया बिकॉज मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन फैमिली पे था और किड्स पे था, और किड्स भी बिल्कुल छोटे थे, तो ऑब्वियसली फिर नहीं आप कर सकते. प्रायोरिटीज उस वक्त बिल्कुल डिफरेंट थी मेरी. तो वो जिंदा रहा हमेशा आर्ट, लेकिन जो काम करने वाला था कि एक जुनून आ जाता है कि नहीं बस अब इस्टेब्लिश करना है और अब इसको ब्रांड बनाना है, वो सिर्फ मेरी साल भर की जर्नी रही है. आपकी डिजाइन की ज्वेलरी किसी सॉन्ग वगैरह में भी मुझे मिलता था, मुझे राइट. अभी एक्चुअली एक फ्रेंड है अविनाश जी, उनके ही एल्बम में मैंने ज्वेलरी दी है, तो अभी वो उसमें आई है. अभी रिलीज नहीं हुआ है सॉन्ग, बट सून टू बी रिलीज्ड. क्या कौन सी मूवी का है, किसका? इट्स एल्बम. थोड़ा सा बताइए जी. इट्स एल्बम. ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत ज्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता. मैं ये भी एक वो है कि इत्तेफाक कि मैं ट्रैवल कर रही थी उस वक्त, तो अविनाश जी का फोन आया कि आप अपनी ज्वेलरी हम लोग को दे दो, हम सॉन्ग में इसको वो करेंगे, एक्ट्रेस के लिए चाहिए. सो आई वॉज लाइक मैं तो हूं ही नहीं, पीछे से कैसे मैं मैनेज करूँ, क्या करूँ. बट ठीक है, पापा थे घर पे और करके मैंने मैनेज करके मेरे कारीगर को बोल के और मैंने अरेंज करवाया. तो एक्चुअली मुझे आज तक भी पूरी डिटेल नहीं पता है, छोटा सा वीडियो मेरे पास आ चुका है लेकिन अभी पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं आई है. एवरेस्ट मोशन पिक्चर्स का है ये वीडियो. बट अभी पूरी डिटेल्स आने बाकी है. अगर आपको, चलिए आप नहीं जाना चाह रही बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्स वाला जो आपका प्रेजेंट होगा उसमें, लेकिन अगर आपको यहाँ जयपुर में रहते हुए रैम वॉक का या एज ए मॉडलिंग का या किसी टीवी शो में काम करने का मौका मिलता है,
तो क्या आप करेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ऑफर्स आ चुके हैं और आते हैं, बट वो है ही नहीं डायरेक्शन जहाँ मुझे जाना है. और मैं एक्चुअली मेरी लाइफ के बारे में बहुत श्योर रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है, और मैं वही करना चाहती हूँ. ये वाला भी सिर्फ मेरे बच्चों का एक्साइटमेंट, मेरी मामी है वो, उन्होंने भी मुझे बहुत फोर्स किया था, उसकी वजह से मैंने किया. बट आई थिंक आई विल नॉट लूज माई फोकस, क्योंकि मॉडलिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है. किस तरह की ज्वेलरी आप ज्यादातर डिसाइड करना पसंद करते हैं? ज्वेलरी में मैंने जो फर्स्ट कलेक्शन मेरा बनाया था, जिसके लिए मुझे इंडिया लीडरशिप अवार्ड से बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला है, वो राजस्थान या इंडिया की कल्चर कह लीजिए उसको पोर्ट्रे करते हुए था. उसमें मैंने छोटे छोटे आइवरी शीट होती है, आइवरी शीट इज इलीगल, आइवरी शीट का कॉपी एक शीट होता है, उस शीट पे मिनिएचर आर्ट करवाया था. एक अरविंद अंकल है, अरविंद सक्सेना अंकल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स करते हैं, 1-1 inch पे इतना नीट वर्क, मतलब इट्स कमेंडेबल. वो उनसे बनवाकर और मैंने उस पर पूरा डायमंड पोल की वर्क करवाया था, सो दैट वॉज समथिंग स्पेशल एंड यूनिक. तो वो चीज़ मैंने जब लॉन्च किया था उसकी वजह से मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था. फिर मैं जनरली पोल की डायमंड में ही करती हूँ, बट पहला कलेक्शन मैंने बहुत मतलब रिस्क लेके और बहुत नई चीज़ कुछ लॉन्च की थी. कोई आइडल है आपका इस फील्ड में, या किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, कोई ऐसी ज्वेलरी डिज़ाइनर जिससे आपको लगता है कि हाँ ये मेरी इंस्पिरेशन है, या आप महसूस करके बहुत अच्छा कलेक्शन होगा किसी का? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं शायद इधर उधर कहीं देखती ही नहीं हूँ. मैं अपने आप में ही, मेरी ही जर्नी है, मैं ही अपना इंस्पिरेशन हूँ, मैं ही अपना मोटिवेशन हूँ. तो आई थिंक आई सेट गोल्स फॉर माई सेल्फ एवरी डे कि ठीक है मुझे अभी अचीव करना, अब ये एज सच नहीं. द मोस्ट आई लव, मतलब ऐसे अगर है कि किसी से सलाह लेनी है तो ऑब्वियसली पापा और मेरे बच्चे, ये दो लोग हैं, इनसे मैं पूछती हूँ कोई भी स्टेप लेने के पहले जी, पर अदरवाइज एज सच कोई नहीं. फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, फैमिली में कौन कौन है आपके? जैसे मैंने बताया आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो मैं और मेरे दो किड्स और पापा. ऑफकोर्स आई लॉस्ट माई मॉम्स सम फ्यू ईयर्स बैक, एंड मेरी बड़ी सिस्टर है वो डाउन सिंड्रोम है, मतलब वो हाँ वो घर पे ही रहती है, बट वो मतलब हमारे साथ है. बच्चे अभी आपके कितने बड़े हो चुके हैं? मेरा बड़ा बेटा 13 years का है, मेरा छोटा बेटा 9 years का है. कौन कहेगा कि आप कितने बड़े बच्चे हैं? ज्वेलरी डिजाइनिंग का आपका चल रहा है, आपका खुद का काम है, आपका खुद का ब्रांड है, बच्चों को किस तरह से कैसे टाइम दे पाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं सारी चीजें? एग्जैक्टली यही रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा मॉडलिंग और उस फील्ड में जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. मैं ज्वेलरी स्टिक करती हूँ. रीजन यही है कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल द मोर बढ़ जाती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, पेरेंट्स शायद दोनों ही आजकल बहुत बिजी रहते हैं सब बच्चों के लिए ही, बट वो साइकोलॉजिकल बच्चों में भी ये फैक्टर आ जाता है कि नहीं मामा हमें टाइम दें या मामा को टाइम देना चाहिए. तो आई मेक श्योर कि इवनिंग टाइम जो है वो बच्चों का ही है एनी हाउ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ. मैंने ये रूल बना रखा है घर में खाएंगे सब साथ में लंच डिनर, और अदरवाइज भी इवनिंग टाइम मैं बच्चों को ही साथ ही स्पेंड करती हूँ. हम बातें करेंगे, हम शेयर करेंगे, चाहे हम बैठ के मूवी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, बट आई मेक श्योर दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट देम एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट मी. शिल्पा एक देख और ले लेता है जी. आपने बार बार पापा की बात की है पूरे प्रोग्राम के बाद, तो उनसे भी बातचीत करूंगी आपके बारे में जानेंगे हम और जी. पहले ब्रेक लेते हैं जी. तो शिल्पा फैमिली शो में फिलहाल रखते हैं एक और छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी शिल्पा से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, उनके फादर से भी बातचीत करेंगे. आप बने रहे पत्रिका टीवी के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं शिल्पा फैमिली शो. हमारे साथ है यहाँ ज्वेलरी डिजाइनर और मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 की विनर शिल्पा. अभी हमारे साथ शिल्पा के फादर भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा शिल्पा के बारे में जानेंगे. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पे. थैंक यू. सर आपका नाम मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले. मेरा नाम डी आर मित्तल है जी, और मैं सर्विस के अंदर इंजीनियर था, PhD डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ जी. सर ये आपकी डॉक्टर हैं शिल्पा. आपको जैसे ये बतानी थी कि आपने इनको हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर जगह पर. ज्वेलरी डिजाइनिंग ये करना चाहती थी, आपने इनको सपोर्ट किया, मामा नहीं चाहती थी हालांकि,
पेरेंट्स का कहीं ना कहीं होता है कि उनके बच्चे गवर्नमेंट, क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो बच्चे भी उसी फील्ड में जाएं। जब इन्होंने आपको बताया कि नहीं मैं तो ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ? देखिए, ये मैंने अपना स्टडी टाइम से, स्टडीज़ के टाइम से ऑब्जर्व किया है कि जिस आदमी को जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उसमें बहुत अच्छा कर लेता है, और यहाँ तक कि अगर कोई आदमी पैशनेट है अपने किसी एक फील्ड के अंदर तो उसको दिन में ही नहीं, रात को सोते में सपने भी वही आते हैं जो उसकी पैशन होती है। तो मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मेरे बच्चे जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट लेंगे मैं ये एक्सप्लोर करूंगा कि वो इंटरेस्ट उनका जेन्युइन है, कहीं फैंसी तो नहीं है। कई लोग ग्लैमर की वजह से कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब मैंने ये देखा कि नहीं, हर हैंड इन पेंटिंग इज वेरी गुड, इसके पास ये जो भी काम करती थी बड़ी शिद्दत से करती थी, बचपन से मैंने देखा, तो इसने जब ये, इसकी माँ ने कहा कि ये तो ज्वेलरी डिज़ाइन और डिज़ाइन के पीछे पड़ी हुई, मैंने कहा लेटर, तो उन्होंने कहा बम्बई जाके कैसे रहेगी, मैंने कहा वो मैं मैनेज कर दूंगा। मैं चूंकि PhD में एक अच्छी पोस्ट पे था तो मेरे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं थी, मेरे पास तो पूरे इंडिया भर के लोग आते थे अपने अपने काम से, तो वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, वो मैंने मैनेज कर दिया। इसको यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन हॉस्टल के अंदर एडमिशन जस्ट फॉर द आस्किंग विदाउट एनी क्वेश्चन आस्ट, जो इतना ईजी नहीं होता, वो कर दिया मैंने मैनेज, और उसके बाद तो इट वॉज हर लेबर एफर्ट। इसके बाद अभी इन्होंने अपना ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया जी। आपने सोचा था कि इस तरह की ज्वेलरी डिजाइनिंग से इनका फील्ड एकदम से चेंज होगा, या इस तरह के किसी पेजेंट में ये पार्टिसिपेट करने जाएंगे? नहीं, मैंने सोचा नहीं था, बट अगेन मैं ये तो, जब इसने मुझसे कहा कि इसका मैं फॉर्म भर रही हूँ, मैंने कहा भर दो, तो खेल खेल में हो गया कि लेट अस ट्राई। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, हालांकि मैं जिंदगी में किसी एग्जाम में फेल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि बेटा एक बार में फेल होगी दोबारा अपीयर होना, फिर पास हो जाएगी, तो वो खेल खेल में हो गया ये तो। इनकी बचपन से जुड़ी यादें सर कुछ मैं चाहूंगी शेयर करें आप, किस तरह का इनका नेचर था, किस तरह की, मतलब थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। नेचर तो ये काफ़ी साइलेंट टाइप की लड़की थी, बड़ी शाई सी और अपने आप में सिमट के रहने वाली लड़की थी, लेकिन इसे जो चाहिए था, जो वो इसको पैशन था, कुछ भी चाहिए तो वो फिर चाहिए इसको, चाहे कोई स्पोर्ट भी चाहिए, वो मैंने इसकी हर डिज़ायर पूरी की है। बल्कि हमारे तो रिलेटिव्स कहते भी हैं कि शिल्पा इस मामले में बहुत लकी है कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, तो वो ठीक है इसने। लेकिन ये जो पेजेंट वाला मामला था ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और ये जब पुणे जाने के लिए फ्लाइट का टिकट हुआ तो मैंने कहा जाओ तुम जाके घूम के आ जाओ, मेरा रिएक्शन तो यही था, बट अल्टीमेटली आई केम टू नो कि शी गॉट इट, और ये अकेली गई, इसने कभी मुझे नहीं कहा पापा आप भी साथ में चलो, तो हिम्मत वाली तो ये है। सर कुछ नेचर बच्चे से आपने बताया इनके बारे में, शाही रही है ये, गुस्सा, बाकी उस तरह सा कुछ बचपन में किस तरह से रहते हैं? अब देखिए, गुस्सा मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया इसका। अब वो शायद उसका एक कारण ये भी है कि हम दोनों के मिजाज इतने मिलते थे कि मैंने इसे कभी किसी चीज में रोड़े नहीं अटकाए, तो इसने मुझ पे गुस्सा भी नहीं किया। जैसे बाबा बोल रहे गुस्सा नहीं करते थे आप बिल्कुल भी, इतना अपने आप को शांत कैसे रख पाती है आप? बेसिकली मेरा लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, मैं हमेशा से जानती हूँ कि लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, एक एक मिनट बहुत प्रेशियस है, तो मैं बहुत हर मिनट को जीना चाहती हूँ ज़िंदगी में, और हर चीज़ इसीलिए मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और हर वक्त खुश रहना चाहती हूँ। ऑल्दो आती हैं प्रॉब्लम्स, सब कुछ आता है, लेकिन आई थिंक आई टेक इट वेरी लाइटली। होते हैं बहुत तरह के स्ट्रेस होते हैं, बींग अ सिंगल पेरेंट बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, बट बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ कि एवरी डे एवरी मिनट यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको जो भी है, आप इतना ब्लेस्ड हो, जो भी है जितना भी है, मैं कहती हूँ फिर भी आप बहुत ब्लेस्ड हो जो है, तो शायद यही बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं हर वक्त खुश रहती हूँ। पापा की आप फेवरेट, पापा आपके फेवरेट, दोस्ती है आप दोनों में? दोस्ती भी है, रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली है ही क्योंकि पापा हैं, लेकिन यस ये बहुत बड़ा रीज़न है कि पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आई एम रियली लकी बिकॉज मैं जानती हूँ एज अ फादर कि और भी बहुत सारे होते हैं कि नॉट नेसेसरीली इतने सपोर्टिव डैड मिले आपको, तो पापा हैज़ बीन वेरी 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 सपोर्टिव। जैसा कि शिल्पा बता रही थी कि खाना बच्चों के लिए बनाती है बहुत ज़्यादा,
अंकल घर में तो ही होता है ना कि खास में मम्मियां तो चाहती कि हमारी बेटी को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। नहीं अब ये जो इनका शिल्पा का बचपन था, बचपन में तो बस इसका ऐसा ही था मामला कि खाने वाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, खाने में इसको खुद भी इंटरेस्ट नहीं था, खाने की चोर थी ये हमेशा से, बहुत कम खाती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जा करके, मैं अभी 2-3 दिन पहले बच्चों से कह भी रहा था कि यू आर वेरी वेरी लकी इन दैट कि तुम्हारी मम्मा रोज शाम को तुम्हें अपने हाथ से बना के खिलाती और एक से एक नई डिशेस बना के खिलाती है, जो कि विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि ज़्यादातर मम्मियाँ जो हैं वो खाने को बोझ समझ के करती हैं काम को। लेकिन ये शाम का खाना अपने, मैंने कहा कि तुम्हारे सुबह तुमने एक टाइम की कुक रखी हुई, दोनों टाइम की रख लो कि नहीं, शाम का तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, एंड शी डज इट रिलीजियसली, रोज शाम का खाना यही बनाती है घर में और बच्चे भी बहुत खुश हैं इस वजह से। इस तरह से आपने शिल्पा को काफ़ी सपोर्ट किया है एक तरह से देखा जाए तो, जो आप लोगों की जो जिस तरह से बातचीत बताई आप लोगों ने, बहुत सारी बात बताई, लेकिन अभी भी सोसाइटी में ये है कि पेरेंट्स मतलब लड़कियों को अभी भी उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, बोझ मानते हैं बच्चे खासतौर पर लड़कियों को, क्या कहेंगे आप उन पेरेंट्स के लिए? अब देखिए मेरी नज़र में तो ये है कि जैसे जैसे आदमी एजुकेटेड होता चला जाता है उसका माइंड ओपन होना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने दिमाग की खिड़कियां बंद रखते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं। मेरे हिसाब से तो भगवान ने दिमाग सबको एक सा दिया है, लड़कों को लड़कियों को, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, और लड़कियों को अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो जो उनका सिंगल माइंडेड डिवोशन है ना वो लड़कियों में बेटर आता है लड़कों से। लड़के जो हैं फिर भी भटक जाते हैं, लेकिन लड़कियां को अगर उनका पैशन का फील्ड मिल जाए तो दे स्कोर फार बेटर देन दी बॉयज। तो वो हमारे घर में भी है और हु एवर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मी, मैं तो उसको यही प्रीच, बिकॉज माई एज, मैं उसको यही प्रीच करता हूँ कि लड़कियों को आप बिल्कुल बराबर का मौका देखिए, फिर देखिए आप नतीजे देखिए जैसे हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पा मैं आपसे चाहूंगी चलते चलते हमारे दर्शकों को जो भी आप मैसेज देना चाहें प्लीज। मैं पहले भी ऐसा बोल चुकी हूँ और मैं वापस वही रिपीट करूँगी, जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, एक ही लाइफ मिली है, हर पल खुश रहिए, जीना चाहिए इस ज़िंदगी को, और जस्ट फॉलो योर पैशन, क्योंकि आप जब अपना पैशन फॉलो करेंगे तो आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे कि आप बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, और वो ही है जो आपको ट्रू हैप्पीनेस देगा लाइफ में। बिल्कुल शिल्पा बहुत अच्छी बात आपने बोली, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, और अंकल ने जैसे बोला कि बेटे और बेटी को दोनों को एक समान समझना चाहिए, बेटे को मौका मिलेगा तभी वो आगे बढ़ सकेंगे जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, अगर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए पत्रिका स्टूडियो, और शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थी शी लीड फैमिली शो में हमारे साथ शिल्पा मित्तल और उनके फादर, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।